देखिए, मैं 2015 बैच से हूँ और ये मेरी पहली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग है। और अभी मैंने 30 तारीख को कार्यभार अपना ग्रहण किया था और उसके बाद लगातार मैंने विभागों की समीक्षा चालू की है। और जो भी शासन की दिशा निर्देश हैं और जो भी प्राथमिकता है उनको टॉप प्रायोरिटी पर लेके, जितना भी क्या कहते हैं हम लोगों को, जनता को सुगम जीवन बनाने के लिए जो भी काम किया जाएगा वो प्रारंभिक रूप से चालू हम लोगों ने कर दिया है। और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही किसी विभाग द्वारा ना बरती जाए। आरडीओ को लेके क्या कहें? देखिए, यहाँ रामपुर जनपद में RDA है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। थोड़े वित्तीय संसाधन उसकी कम है, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। उसको लेकर हम लोग अभी समीक्षा करेंगे, कैसे उसकी लैंड बैंक को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपना लेआउट डालें। जितने भी अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियां हैं उन पर कार्रवाई हम लोगों ने करने के निर्देश हम लोगों ने दे दिए। क्या आरडीओ कोई टाउनशिप बनाए जी, एक का? मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ UP के द्वारा अनुदान दिया जाता है। उसकी शर्त ये रहती है कि हाफ जो अनुदान है, आधा अनुदान RDA खर्च करता है और आधा अनुदान जो है शासन द्वारा दिया जाएगा। इसके वो लेकर हम लोग एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और अगले 14 से 15 दिन में एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि एक टाउनशिप यहाँ पर रामपुर में डेवलप की जा सके। जी सर, अभी आपने जिले के सभी SDM तहसीलदारों को रातों में खनन को लेकर के बड़े निर्देश दिए हैं, तो जरा वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अब रामपुर में खनन को लेकर के क्या निपटने के लिए। देखिए, माइनिंग, इलीगल माइनिंग एक इशू रहता है माइनिंग में, और हमारे जो भी तहसीलें हैं और जो भी प्रभावित तहसीलें हैं उनमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। टास्क फोर्स गठित की गई है, वह रात को क्या कहते हैं चेकिंग करती है। जो भी ओवरलोडिंग और इलीगल माइनिंग जिनके पास रवन्ना नहीं होता है उस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाता है, और जितना भी क्या कहते हैं उस पर वित्तीय उस पर लगाया जाता है मान क्या कहते हैं दंड लगाया जाता है, वित्तीय दंड उसको क्या कहते हैं वसूल किया जाता है। तो क्या रात में सभी SDM अपने इलाकों में रहेंगे, जिस तरह से मैंने प्रेस नोट देखा था, सूचना देखा था? देखिए, जो टास्क फोर्स है उसके ऑर्डर अलग हैं। जो भी टास्क फोर्स के जो ऑर्डर हैं उन टीमों के चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम लोग उनको भेजते हैं रात को, और उनके द्वारा और जॉइंट एक जो पुलिस की भी टीम उनके साथ रहती है उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है। मेन समस्या बिजली विभाग, पूर्ति विभाग, चाहे सफाई व्यवस्था की रहेगी, अब प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी और इन विभागों पर किस तरह से कार्रवाई? देखिए, हमारे यहाँ पर 11 लोकल बॉडीज हैं और उनके द्वारा जो भी सफाई के काम हैं वो सुचारू रूप से चालू हो गए हैं। मेरे द्वारा उनकी पहली बैठक ले ली गई है और रामपुर नगर पालिका सबसे बड़ी यहाँ पर नगर पालिका है, उसको भी कुछ कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्ति विभाग है उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने 1-2 दिन में रखी है, निश्चित ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रामपुर की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी शहर की बेहतरी के लिए शासन प्रशासन आपका सहयोग चाहता है वो हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। भीमसर, जिले के सभी अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक फरियादी की शिकायतें सुने, तो क्या समय समय पर आपका भी निरीक्षण वगैरह रहे? जी, निरीक्षण रहेगा। और देखिए, जन सुनवाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सभी डिपार्टमेंटों की कार्यशैली का, तो मेरा सभी लोगों को यही निर्देश है कि 10 बजे से जन सुनवाई अपना 2 घंटे की निश्चित रूप से तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पे और जितने भी हमारे कार्याध्यक्ष हैं उनको करना चाहिए, और इसके चेकिंग के लिए मैं खुद भी निरीक्षण समय समय पर करूंगा। जिला अस्पताल को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं? जिला अस्पताल को लेकर मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, और जितने भी क्या कहते हैं यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य की जितने भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन लोगों का भी हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, वृहद स्तर पर इसमें कार्रवाई कर पाएंगे। थैंक यू सर।